बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल 19 मार्च को जाएंगे देहरादून। होली के अगले दिन हो सकती है विधायक दल की बैठक। धन सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल को कहा पप्पू, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर में कंबोज धर्मशाला में बैठक का किया गया आयोजन, कांग्रेस ने किया हार पर मंथन, बैठक में कई नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए किए जा रहे झूठे दावे, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा ऐसी कल्पना भी नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीजेपी के उत्तराखंड पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल बनाए गए हैं जो 19 मार्च को देहरादून जाएंगे। जानकारी के मुताबिक होली के अगले दिन उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक हो सकती है जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। इस रेस में पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, ऋतु खंडूरी, गणेश जोशी समेत कई नाम शामिल हैं। पुष्कर धामी के विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद कई विधायक धामी के पक्ष में सीट खाली कर चुनाव लड़ाने की पेशकश कर चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपने बड़बोले बयानों के चलते चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहाँ का पप्पू बम्बई का टिकट लेने गया है। दरअसल धन सिंह रावत यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें बंबई भेज देंगे और श्रीनगर पालिका अध्यक्ष के पति प्रदीप तिवारी को 25 पैसा बताकर उन्हें करनाल भेजने की बात कह रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो धन सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर धन सिंह रावत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाई बहनों सुनो भैया, एक पप्पू तो आप विदेश का टिकट ले ले और यहां का पप्पू बंबई का टिकट लेने वाला है, इसलिए और पप्पू के साथ जो खिरीज है ना 25 पैसा जो श्रीनगर का है वो भी जो है, आप सुनो भैया सुनो, 25 पैसा क्या सुन तो लो, भारत माता की, ऐसा है ऐसा भाइयों बहनों और सभी कार्यकर्ताओं, मैं आप लोगों से गैरगांव के प्रधान जी हमारे को भी बहुत धन्यवाद और सुहित वालों को भी सबको। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आए महज कुछ दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनके बड़बोले बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, धन सिंह रावत का जो वीडियो है तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए सीधे तौर पर नहीं कह रहे लेकिन इशारों इशारों में गणेश गोदियाल को खूब खरी खोटी सुना गई है। तो
तो डॉक्टर धन सिंह रावत जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने आया है और यहां का पप्पू बंबई का टिकट लेना आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश से जुड़ी, तो योगी आदित्यनाथ के दो मंत्रिमंडल दिल्ली में फाइनल हो सकते हैं, शपथ ग्रहण के समय औपचारिक घोषणा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, इस बार दो नहीं तीन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। 2024 को लक्ष्य बनाकर मंत्रिमंडल का गठन होना तय है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो योगी आदित्यनाथ के दो मंत्रिमंडल दिल्ली में फाइनल हो रहे हैं, शपथ ग्रहण के समय औपचारिक घोषणा होगी, इस बार दो नहीं तीन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। 2024 को लक्ष्य बनाकर मंत्रिमंडल का गठन होना तय बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तो योगी आदित्यनाथ के दो मंत्रिमंडल दिल्ली में फाइनल हो गए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही मौजूद है, अभी कुछ देर पहले ही अनुराग ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की है। तो शपथ ग्रहण के समय औपचारिक घोषणा होना तय है, इस बार दो नहीं बल्कि तीन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। 2024 को लक्ष्य मानकर यूपी में पूरा जो गठन है उसकी तैयारी की जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो योगी आदित्यनाथ के दो मंत्रिमंडल दिल्ली में फाइनल हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शपथ ग्रहण के समय औपचारिक घोषणा हो सकती है, इस बार दो नहीं तीन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, योगी आदित्यनाथ के दो मंत्रिमंडल फाइनल बताए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि दो डिप्टी सीएम नहीं इस बार तीन हो सकते हैं। तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली के बाद वहां पर किसी तरीके से बैठक हुई, उसके बाद वहां पर निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है सूत्रों के हिसाब से, जिस हिसाब से जानकारी आ रही है कि इस बार तीन डिप्टी सीएम हो सकते हैं, कहा जा रहा है कि पहले सबसे पहले नंबर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य है उनको जो है संगठन में जोड़ा जाएगा, उसके बाद विनय शर्मा को भी संगठन में जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद कह सकते हैं कि इस बार कुल जो है 62 जो है मंत्री सामने आएंगे और उसमें से 28 जो है कैबिनेट मंत्री होंगे और 11 राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, उसी में कह सकते हैं 23 जो राज्य मंत्री की शपथ लेंगे। कहा जा सकता है कुल मिलाकर क्योंकि इस बार 62 मंत्री पद लेकर था, बेबी रानी मौर्य को मौका दिया जाएगा क्योंकि एक दलित चेहरे के रूप में वो सामने आई थी चुनाव में और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसी के साथ कह सकते हैं कि जो अजीम अरुण है उनके पास भी एक सरकारी अमला है और अच्छा खासा नॉलेज है उनको और एक अच्छी पकड़ रखते हैं प्रधानमंत्री बनने में, जिसकी वजह से उनको भी एक मौका दिया जाएगा सीएम का। बिल्कुल, अगर हम बात करें शुभम, तो पिछले कार्यकाल में हमने दो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखे, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। इस बार तीन उप मुख्यमंत्री पर चर्चा हो रही है और मंजूरी भी जल्द ही मिल सकती है। इसके अलावा अगर केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करें तो वो चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में उनकी जगह कौन ले सकता है? केशव प्रसाद मौर्य की जगह पे साफ कहा जा सकता है कि बेबी रानी मौर्य जो है उन्होंने चुनाव जीता है और विधायक बनी है, वो इससे पहले जो है उत्तराखंड की राज्यपाल रही है, उसके बाद अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है उनको सौंपी जा सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा की, और उनकी जगह पे कहा जा सकता है कि एके शर्मा का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आ सके, एके शर्मा को एक जिम्मेदारी दी जा दिनेश शर्मा की जगह पे जो शर्मा है उनको लाया जाएगा। उसी के साथ अगर तीसरे उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आसिम अरुण जो है सबसे पहले सामने आते हैं कि उनको भी एक दर्जा जो है देने की बात कही गई। उसी के साथ हम बात करते हैं कुछ जो पुराने मंत्री हैं उनको उनके जो उनके विभाग है उनको चेंज करके बात किए जाएंगे। उसी के साथ कहा जा सकता है कुछ नए चेहरे जो है सामने आए, कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ के दो मंत्रिमंडल दिल्ली में फाइनल हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। शपथ ग्रहण के समय औपचारिक घोषणा हो सकती है,
इस बार दो नहीं तीन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 2024 को लक्ष्य बनाकर मंत्रिमंडल का जो गठन है वो किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। गदरपुर विधानसभा से कांग्रेस की हार पर क्षेत्र के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने कंबोज धर्मशाला में बैठक कर हार पर मंथन किया है। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 1120 मतों से हराया था। हार पर मंथन करते हुए क्षेत्रीय दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किया है। इस दौरान प्रेमानंद महाजन ने कहा कि आम जनता ने मुझे ढेर सारा प्यार मिला है, मैं हारा नहीं हूं, सभी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अंक गणितों के हिसाब से तो हारे ही हैं, और जहां तक लोगों का प्यार की बात है, बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया। मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। मैं आज इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था कि आप लोग आए एक जगह बैठते हैं, और उनको धन्यवाद देने के लिए, होली की बधाई देने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है मैंने किया था। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेहनत किया, आज उनको धन्यवाद मैं आपके माध्यम से देता भी हूँ। और सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने बूथ अपने आसपास को मजबूत रखे, कांग्रेस तभी मजबूत होगी और संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस समीक्षा बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं ने आके अपनी भावनाओं से सभी कांग्रेसजनों को अवगत कराया, बहुत सारी चीज़ें थी जिन लोगों को लेकर के संशय था, लेकिन आज वो तमाम चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। हम लोगों ने एक आकलन, एक पूरा मैप तैयार किया है, पूरा एक आकलन किया है कि प्रत्येक बूथ में कौन कौन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया, किस लोगों ने हमारे फ़ायदा किया, किन बूथों से हम जीते, कौन कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने खिलाफ़ काम किया। तो ये तमाम बहुत सारे बिंदु थे जिन पर आज चर्चा हुई है, और इस पूरी बैठक के बाद जो निचोड़ है उससे हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, और जल्द ही कांग्रेस पार्टी का भविष्य में सकारात्मक नतीजे आए इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही कांग्रेस पार्टी ठोस फैसले देने का काम करेगी, मजबूत फैसले देने का काम करेगी, और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कृत करेगी, और जिन्होंने गलत काम किया है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम। प्रदेश के अस्पतालों में मरीज डॉक्टर्स के अभाव में दम तोड़ देते हैं, ये जो जाहिर है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे। ताज़ा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है, जहां 12 डॉक्टर्स ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है, इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजा, इसकी खोजबीन करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही नए अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने प्रदेश के किसी भी CSE सेंटर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी और गायब हैं। ऐसे में इन डॉक्टर्स की खोजबीन शुरू की जा रही है। ऐसा है कि हमारे पास जो है डीजी हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आपके यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्हें ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग PG करने चले गए थे, तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित DM के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था, जिनमें से हमारे करीब दो विद्यार्थियों ने 2008 बैच के डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर चित्ता बिश द्वारा जो है 33,24,300 जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो गए हैं। प्रदेश के अस्पतालों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मरीज डॉक्टर्स के अभाव में दम तोड़ देते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद भी डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें श्रीनगर गढ़वाल से सामने आई है। ताज़ा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है, जहाँ 12 डॉक्टर्स ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएँ नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढता फिर रहा है, इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को एक लेटर भी लिखा गया, इनकी खोजबीन करने के आदेश भी जारी किए गए, साथ ही नए अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश भी दिए गए हैं।
दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टर की लिस्ट जारी की जिन्होंने प्रदेश के किसी भी सीएससी सेंटर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है और वो पूरी तरह से गायब बताए जा रहे हैं। नैनीताल में नवनिर्वाचित विधायक सरिता कपूर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समर्थन देने की घोषणा की है। नवनियुक्त विधायक सरिता ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ी हैं और जीत प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही प्रदेश में भारी बहुमत के साथ दोबारा बीजेपी सत्तासीन हुई है। विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में प्रचार के कारण वो खुद अपनी सीट पर काम समय दे सके जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की सीट पर विपरीत परिणाम देखने को मिला है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर ये टिकट मुझे यहाँ से दिया। और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का उनका आभार प्रकट करती हूँ और अपने इष्ट देवताओं की और माँ नैना देवी गोलजू की वजह से जो ये आज आशीर्वाद मुझे मिला उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान ने कोतवाली में ग्रामीणों के साथ बैठक की है जिसमें उन्होंने लोगों से होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की लत को रोकने के लिए भी जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली के त्यौहार में अधिकतर नशे का उपयोग किया जाता है जिससे समाज में दुष्प्रचार लगातार बढ़ रहा है। थाना क्षेत्र के सम्मानित लोगों की जो है एक गोष्ठी आयोजित की गई है होली के उपलक्ष्य जिसमें लोगों की जो है होली के दौरान विगत वर्षों में जो भी समस्या आई है उनको सुना गया है और साथ ही लोगों से जो है यह अपेक्षा की गई कि होली के त्यौहार को सफल मनाने के लिए लोगों को जो है जागरूक करेंगे। अगर कोई भी उड़दंगी वगैरह इस तरह का कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देंगे ताकि पुलिस समय रहते हुए अहमदाबाद में फागनिया पूनम के दिन 52 गज की सबसे बड़ी ध्वजा की पूजा की गई। हर्षोल्लास के साथ होली के साथ जय रणछोड़ माखन चोर के जयकारे भी लगाए गए। वहीं कार्यक्रम को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम ने रणछोड़ राय सेवा संघ कड़वा पोल के आयोजकों से खास बातचीत की। तैयारियों को लेकर क्या कहा आयोजकों ने आप भी सुनिए। मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल जो अहमदाबाद के जो निदान पार्क सोसाइटी है वहाँ पे आया हुआ हूँ। गुजरात में जो बोला जाता है डाकोर के ठाकुर की जो ध्वजाएं वगैरह जो यहाँ से निकलेगी और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से ध्वजा जो डाकोर के ठाकुर की जो ध्वजाएं है यहाँ पे निकलेगी। यहाँ पे जो 52 गज की ध्वजा सबसे बड़ी गुजरात की सबसे बड़ी ध्वजा यहाँ से निकाली जाएगी और जो पैदल यात्रा जो लोग जाते हैं डाकोर भगवान रणछोड़ जी बोले जाते हैं जो भगवान कृष्ण का अवतार है वो भगवान यहाँ पे जो डाकोर में विराजमान है वहाँ पे यहाँ से जो निवास पर सोसाइटी यहाँ से पैदल यात्रा लोग यहाँ से डाकोर जाएंगे और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़ेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है यहाँ पे बहुत सारे लोग बधाई लेके यहाँ से आएंगे और यहाँ पे जो पूरा रात को जो प्रोग्राम है भक्ति संध्या का भी प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है और काफ़ी संख्या में लोग बधाई लेके यहाँ पे आएंगे। ढोल नगारे के साथ यहाँ पे शहनायों के साथ भगवान का जो महोत्सव है यहाँ पे मनाया जा रहा है। काफ़ी महिलाएं मैं कैमरेमैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से जो महिलाएं सज धज के यहाँ पे बैठी है काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई हैं क्योंकि भगवान का महोत्सव है और ये महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित है और काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी कहीं ना कहीं 4 साल से कोरोना जैसी परिस्थितियों में जो प्रोग्राम नहीं किया जाता था अभी परिस्थितियाँ सब सुधर गई है और कोरोना चला गया है उनके बाद भगवान की किसी भी प्रकार के जो प्रोग्राम है यहाँ पे अभी पूरी छुट्टी दी गई है। इसके लिए पहला ही प्रोग्राम है भगवान ठाकुर जी का यहाँ पे मनाया जा रहा है और मैं कई जो लोग हैं जो ठाकुर जी के भगवान के जो हाँ ये जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे पूछना चाहूँगा जिस प्रकार से ठाकुर जी का प्रोग्राम है और यहाँ पे ध्वजाओं का प्रोग्राम है सबसे बड़ी जो 52 गज की ध्वजा यहाँ से निकलने वाली है पैदल यात्रा निकलने वाली है इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम भरत है, मैं फ्लोरिडा से आया हुआ हूँ।
और ये 52 घंटे की ध्वजा का वो जो नसीब है हमको मिलेगा पैदल चल के ठाकुर जी के पर चढ़ेगी। डाकोर के ठाकुर के वहाँ पैदल चले जाएंगे यार, बहुत सारा भक्ति संध्या का भी प्रोग्राम है यहाँ पे, ध्वजाए यहाँ पे सब जगह से आ रही है और सबसे बड़ी ध्वजा यहाँ से निकलेगी भगवान के वहाँ। आप हर साल यहाँ पे शामिल होते हो, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये ध्वजा का प्रोग्राम है? ये एक अद्भुत अनुभव है और दिल से सब लोग अपनी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और ये अपने आप ही खुशी की बात है कि हमारे घर में भगवान आए हैं और अपने आप ही झूठ से सब कुछ आगे। मैं पूछना चाहूँगा जिस प्रकार से आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, कितने लोग यहाँ पे जुड़ेंगे और कितने लोग यहाँ पे, काफी भगवान का प्रसाद भी यहाँ पे अर्पण होगा, भगवान की भक्ति संध्या का भी प्रोग्राम किया जा रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे पिताजी अच्छी तरह से आंसर देंगे। हाँ, मैं आप बताएंगे क्योंकि भगवान का जो ये पूरा प्रोग्राम है, सर जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, भगवान का जो प्रोग्राम है हर साल यहाँ पे मनाया जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है आप मुझे थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे? मेरे यहाँ तो हर एक साल छोड़ के एक साल यहाँ प्रोग्राम में बनाता हूँ, पूरी 48 ईयर यानी 48 ईयर से ये हमारा रणछोड़ जी का राकुर ध्वजा ले जाते हैं। इसके बारे में मेरे दोस्त यानी अतुल भाई पूरी जी हाँ, अतुल भाई आप पूरे डिटेल से बताएंगे जिस प्रकार से ये जो पूरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का आयोजन क्यों किया जाता है और भगवान ठाकुर जी है, ठाकुर जी के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे प्लीज। श्री रणछोड़ा सेवा संघ कड़वापुर दरियापुर से हर साल डाकोर पद यात्रा जाते हैं, ये 48वां वर्ष है और दरियापुर में पहले जो हम कड़वापुर में सब लोग रहते हैं, अभी अहमदाबाद में जुदे जुदे स्थल पे रहते हैं, तो हर रोज जुदे जुदे लोगों के यहाँ जुदे जुदे विस्तार में ध्वजाओं का पूजन होता है, भजन होता है। उसके बाद में डाकोर जाने से एक दिन पहले इधर निरान पार्क में अहमदाबाद के सारे जुदे जुदे अलग अलग विस्तार से इधर ध्वजाएँ आती है, यहाँ पे ध्वजा पे उदय भाई निरान पार्क में उदय भाई के घर पे ध्वजा का पधरामणी होती है, ध्वजा का पूजन होता है और ध्वजा भजन बाद में भजन संध्या होती है और समूह में भजन भोजन प्रसादनी की व्यवस्था भी की जाती है, सब उदय भाई के तरफ से यहाँ पे आयोजन होता है। करीबन ये प्रोग्राम में 1500 आदमी यहाँ से आते हैं और शाम को भजन कीर्तन होने के बाद यहाँ से सारी ध्वजा कड़वापुर जहाँ से संघ निकलता है उसका मूल स्थान है वहाँ कड़वापुर दरियापुर में सब ध्वजा आज रात को यहाँ से 11 बजे वहाँ जाए। चमोली में वनाग्नि की रोकथाम के लिए केदारनाथ वन विभाग की रेंजर आरती मैठाणी और सीपी भट्ट पर्यावरण और विकास केंद्र सहयोगी संगठनों की ओर से गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। कंडारा गांव में जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह और ग्राम प्रधानों की अगुवाई में कंडारा से सोनाली गांव तक जन जागरण यात्रा निकाली गई जिसमें महिला मंगल दल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सोनाली गांव में महिला मंगल दल की अध्यक्षा भुवना देवी की अध्यक्षता में वनाग्नि की रोकथाम पर गोष्ठी भी आयोजित की गई। वनाग्नि काल 2022 15 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। अपने वनों को अग्नि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान हमारे द्वारा विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं के मध्य वनाग्नि सुरक्षा विषय पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। गाँव गाँव में जाकर जन सामान्य को जागरूक करने के लिए गोष्ठियाँ की गई। हम अपने विभागीय वाहनों से भी लगातार लाउड स्पीकर से संदेश प्रसारित कर रहे हैं तथा संवेदन नैनीताल में फूलदेई पर्व अब केवल औपचारिक तक ही सीमित रह गया है। जो उत्सव आज से लगभग 40 साल पहले देखा जाता था वो अब नहीं दिखाई देता। कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले आसपास के घरों में एक थाली में फूल गुड़ चावल और दक्षिणा देते थे। त्योहार में भी अब वो उत्साह हल्के ठंडे बस्ते में जाने लग गया है, जहां बता दें कि अब किसी भी त्यौहार में कहीं भी कोई रौनक नहीं देखने को मिल रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।